आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।